सो फाइनली यहाँ पे एक कंपैरिजन जो बहुत ज़्यादा वर्थ है, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं मेरे से। मेरे पास अभी तो एक्सटेंड प्रो है नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा इसको बाय करके आप सभी के सामने विजनरी के साथ एक अनबॉक्सिंग लेके आऊँ। बट फिलहाल फिलहाल हम यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू सारी चीज़ें जान लेते हैं। वैसे एक्जैक्टली सिमिलर सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ऑल दो दोनों ही करीब करीब सेम बजट में मतलब फॉल करती हैं। अगर हम एक्सटेंड प्रो की बात करें तो 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है। प्राइम डे के एक दिन बाद भी आप इसको बाय कर सकते हो, 3500 में मिल जाएगी। बट मेरे को लग रहा है कि प्राइम डे के बाद क्या पता प्राइस बढ़ा दे बोर्ड, बट अगर 3500 में मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। फायरबोल्ट विजनरी की बात में करूँ तो यहाँ पे ये भी आपकी करीब करीब 3799 में अवेलेबल है, ऑन ऑफर अभी लॉन्च हुई है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग रीड डाउन रिव्यू कर रखा है। यहाँ पे 300 रुपये ज़्यादा महंगी है, बट 300 रुपये ज़्यादा महंगी वर्थ है एक्सटेंड प्रो से या नहीं वो मैं आपको इन द एंड या इन द बिटवीन बताऊँगा। और दोनों ही कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती है, दोनों में ही आपको टॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, एमोलेड पैनल दिया गया है दोनों में ही। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग कंपेरिजन को। डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं यहाँ पे। और 1.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, डीपर ब्लैक्स, पंची कलर्स, कलर एक्यूरेसी बहुत ही बेस्ट यहाँ पे, और ओवरऑल मतलब डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही वाइब्रेंट आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है एक्सटेंड प्रो में, एक्जैक्टली डिटेल्स पेज पे या कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है इसमें, तो ये ओटी अपडेट के थ्रू कंपनी ऐड कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट विजनरी में ऑन द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे निकल के आता है ऑलवेज ऑन का फीचर, और दो यहाँ पे वॉच फेस में जाते हैं जो आपके ऑलवेज ऑन ओओडी वाली जो डिस्प्ले है, एओडी बेसिकली, जो आपको मिल जाते हैं, एक एनलॉग वाला और एक आपका डिजिटल वाला। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑन द एवरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ 7 डेज से, तो अगर आप ऐसे ही रख दोगे चेयर पे या मतलब टेबल पे, विजनरी आपकी करीब करीब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो तो 3.5 दिन तक चल जाती है। यस, 3.5 दिन बहुत बड़ी बात है। और एक्सटेंड प्रो में तो ऐसा ऑप्शन नहीं है अभी, तो रेस 2.1 मिल जाता है, इवन विजनरी में भी आपको रेस 2.1 मिलता है। उसी के साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास दोनों में ही यूज़ किया गया है, और टेम्पर प्रोटेक्शन दोनों में देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे स्क्रीन गार्ड नहीं मिलेगा, कोई टेम्पर्ड गार्ड नहीं मिलेगा आपको, बट जो डिस्प्ले है 2.5D उसी में ही टेम्पर्ड मतलब आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है, तो शार्पनेस लेवल्स भी यहाँ पे अच्छे खासे दिए गए दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ 550 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है दोनों ही वॉचेस में, तो यहाँ पे ये भी ब्राइटनेस लेवल्स पे भी ध्यान रखा गया अच्छा खासा। सनलाइट विजिबिलिटी दोनों की टॉप नॉच मिलती है। बात करते हैं वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। लाइव वॉच फेस का ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ, मैंने चेक किया विजनरी में बहुत सारे मतलब वॉच फेस दे रखे हैं, 8 से 10 वॉच फेस मिल जाते हैं, बट लाइव वॉच फेस का मेरे को ऑप्शन नहीं मिला। इवन आपको एक्सटेंड प्रो में भी आई गेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कंफर्म नहीं हूँ, बट ये ओटी अपडेट के थ्रू कंपनी इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि इंटरनल मेमोरी दे रखी है, TWS पेयरिंग का ऑप्शन दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है ये कर सकती है कंपनी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिटनेस मोड्स की। तो यहाँ पे विजनरी एक्सटेंड प्रो में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे एक्सटेंड प्रो जहाँ पे 700 स्पोर्ट्स मोड लेके आता है, अदर कोई भी सेगमेंट में वॉच ही नहीं है, है ही नहीं मार्केट में ऐसी वॉच जो आपको 700 स्पोर्ट्स मोड दे। कॉलिंग फैसिलिटी में 700 स्पोर्ट्स मोड नामुमकिन है, बट यहाँ पे विजनरी आपको 100 देती है स्पोर्ट्स मोड। मेरे ख्याल से 100 भी मोड दे इनफ है, 700 स्पोर्ट्स मोड यूज़ कौन करता है पहली बात तो ये, राइट। आगे बात आती है यहाँ पे IP68 की रेटिंग दोनों मिलती है, क्योंकि मैंने ये पता कैसे लगाया, कहीं भी बॉक्स पे मेंशन नहीं था विजनरी के कि IP68 है, 580M है, या IP67 है, या 380M है, ऐसा सच कहीं मेंशन नहीं है। बट जब आप एक्सरसाइज मोड्स में जाते हो तो ओपन स्विमिंग का ऑप्शन दे रखा है, तो इससे पता चलता है कि IP68 की रेटिंग मिलती है 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक। डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी है, स्प्लैशेस स्वेट में ही चल जाएगी वॉच। 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में डेडिकेटेड सेंसर के साथ, और सेंसर एक्यूरेसी टेस्ट मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और डेडिकेटेड सेंसर भी प्रेजेंट है, ग्रीन वाला आपका HR के लिए और रेड एक्शन का आपका SP2000 मॉनिटर के लिए, दोनों में ही प्रेजेंट है ये। उसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्को सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक का ऑप्शन तो एज सच नहीं बताया है, बट यहाँ पे कॉलिंग फीचर मिलता है, प्रॉपरली नंबर को डायल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, स्पीड डायल का ऑप्शन मिलता है, अप टू 10 या 20 कॉन्टैक्ट तक को आप सेव कर पाओगे। वाइब्रेशन के तो आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, साथ में रिंगटोन्स, या वाइब्रेशन रिंगटोन रखनी है या पूरा म्यूट रखना है वो भी आप कर सकते हो, और कॉलर आईडी, कॉल कट म्यूट भी ऑप्शन हो जाता है दोनों ही वॉचेस में। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे अच्छी बात है, दोनों में ही स्मूथ आपको मिलता है। यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है तो स्मूथ आपको लगता है अच्छा खासा। और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कर्नो टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, DND मोड, साथ में टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं बेसिक चीज़ें। अब ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो विजनरी में जहाँ पे 5.0 है, एक्सटेंड प्रो में आपको 5.1 मिलता है, ये प्लस पॉइंट है। आगे बात आती है यहाँ पे मेन जो मतलब और एक्स्ट्रा फीचर्स है जो हम सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए, वो है
फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। बट गाइस एक चीज़ निकल के आती है यहाँ पे, TWS पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको, वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे विजनरी में। एक्सटेंड प्रो में भी आपको वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे TWS पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। सॉन्ग्स को आप स्टोर नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ लगा। यहाँ पे देना चाहिए था बोट को, बोट ने वो पूरा साइड ही कर दिया, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को कमी लगी, इसमें देना चाहिए था। आगे बात आती है यहाँ पे सॉन्ग्स कितने स्टोर कर सकते हो विजनरी में। विजनरी में अप्रॉक्सीमेटली आप 10 से 12 सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, ज़्यादा इसमें भी नहीं है, बट एटलीस्ट दिया तो गया है। TWS को भी पेयर कर सकते हो आप, तो ऑन द गो बिना फ़ोन के भी आप सॉन्ग्स को सुन सकते हो इन विजनरी। तो करीब करीब 10 से 12 सॉन्ग स्टोर हो पाएंगे। 120 MB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे। सॉन्ग्स का कैसे डालोगे, आपके पास जो केबल मिलेगी उसको आप जैसे ही जो एक तरफ का हिस्सा है वो आप लैपटॉप में लगाओगे, या मतलब थ्रू OTG अपने फ़ोन में भी लगा सकते हो और सॉन्ग्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है बेसिकली। और गाइस एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका विजनरी है उसमें आपको ड्यूअल बटन मिलता है, और साथ में विजनरी में एक चीज़ और है बहुत अच्छी, जो कि है क्राउन वर्किंग, यस, जो कि उसमें आपको नहीं मिलता है, आपका ये जो बोट वॉच एक्सटेंड है। बट एक चीज़ और है बोट वॉच एक्सटेंड में आपको, नहीं बोट की एक्सटेंड प्रो में जो आपको मिलता है वो है फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन। विजनरी में फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलता है, फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है बेसिकली थ्रू द एप्लीकेशन। एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। अब बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर हैं, बट एक्सटेंड प्रो में पता नहीं इंटरनल मेमोरी क्यों नहीं दी गई, जबकि विजनरी में दी गई है। TWS पेयरिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, टिपिकल जो है मिलता है विजनरी में, एक तो आई वॉच वाला मैंने मिलता है और एक लिस्ट वाला। मेरे को लिस्ट वाला पसंद है वैसे, जिसको एप्पल वाला लुक वाला पसंद है तो आई वॉच वाला रख सकता है। एक्सटेंड प्रो में आपको लिस्ट ग्रिड वाले दो मेन्यू मिल जाएंगे, सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है एक्सटेंड प्रो में, और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट। विजनरी में दो बटन है, एक तो क्राउन जो है वो वर्किंग है, वो आपके स्पोर्ट्स मोड को स्क्रॉल करने में हेल्प करता है, या आप मेन्यू को स्क्रॉल कर रहे हो, या आप अपने वॉच फेस को चेंज कर रहे हो, तो पूरा टोटली एक अलग ही रिफ्रेश लुक देता है, जो मेरे को बहुत पसंद आया। एक्शन प्रो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो विजनरी की 300 mAh है, एक्सटेंड प्रो की भी इतनी ही मिलती है आपको, और 30 days का स्टैंड बैटरी है, 2 घंटे फुल चार्ज में दोनों ही ले लेती हैं। उसी के साथ साथ 7 days का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर विजनरी में, एक्सटेंड प्रो में 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया। एक्सटेंड प्रो एक फास्ट चार्जिंग भी लेके आती है, करीब 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में फुल चार्ज होती है वैसे तो, और नॉर्मल चार्जर से अगर आप चार्ज करते हो तो आपका टाइम ले सकती है, वैसे फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसी के साथ साथ मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। और एक चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे कि विजनरी में आपको एज अ माइक्रो USB केबल की तरह भी काम करता है, मतलब माइक्रो एज अ डाटा ट्रांसफर की तरह भी काम करता है इसमें, जो इसका चार्जिंग वाला है। बट एक्सटेंड प्रो में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसका नॉर्मल आपको 2 पिन वाला वो मिलता है आगे की साइड का, जो मैग्नेटिक पिन मिलती है। विजनरी में 4x पिन मिलती है, 2 पिन मेरे ख्याल से वही मतलब डाटा ट्रांसफर की है। एक्चुअल यूज़ की बात में करूँ तो ऐसा फिटनेस वॉच यूज़ करोगे तो 5-4 दिन चल जाएगी दोनों ही वॉचेस। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो विजनरी में, तो मैंने आपको बता दिया 3-3.5 दिन चल जाएगी। एक्सटेंड प्रो में ऐसा ऑप्शन अभी ऐड करेगी कंपनी, अभी तो ऐसा सच कोई बताया नहीं कंपनी ने। उसी के साथ साथ कॉलिंग वॉलिंग करते हो तो 1.5-2 दिन चल सकती है, टिपिकल नॉर्मल यही चलती है हर एक वॉचेस। मेन फीचर्स की बात आती है, HR मॉनिटर मिल जाता है, SP2L मॉनिटर का ऑप्शन है, स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, स्लीप ट्रैक दोनों में कर सकते हो, कैलरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, ब्रीद रिलैक्स का मोड भी मिल जाता है, और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की टॉप नॉच है, एल्युमिनियम की केसिंग का बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। विजनरी का जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एक्सटेंड प्रो से, इवन विजनरी के बॉक्स पर भी नहीं लिखा था कितना वेट है, मैंने अमेजोन से चेक किया तो उसमें डिटेल्स पेज पर बता रहा था। उसी के साथ साथ एप्पल टाइप का स्ट्रैप मिलता है विजनरी में, यस रिमूवेबल है। अब मेरे ख्याल से iWatch 3 7 का लगेगा या 6 का या 5 का वो नहीं पता मेरे को, बट रिमूवेबल है, मैंने वीडियो बना रखी है अनबॉक्सिंग की, उसमें आपको दिखा रखा है अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू की। और एक्सटेंड प्रो में तो 22 mm है, तो आफ्टर मार्केट का कोई सा भी चल जाएगा। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में, और मेन बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया दोनों की टॉप नॉच है, एल्युमिनियम की केसिंग का बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। अब आती है प्राइसिंग प्लस कंक्लूजन। देखिए प्राइसिंग जो है मैंने आपको बताया 300 रुपये ज़्यादा है आपकी विजनरी, दोनों ही अमेजोन पे अवेलेबल है, और अभी 1 rupee देके आप इसको ग्रैब कर सकते हो एज अ प्री ऑर्डर पे, और अगर आप प्राइम मेंबर हो। बट अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो तो आपको क्या करना है, आप जाके यहाँ पे विजनरी, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अभी अवेलेबल नहीं है बट आपको अमेजोन पे मिलेगी। एक्सटेंड प्रो अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ग्रैब कर सकते हो डायरेक्टली। बट अगर आपको विजनरी लेनी है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्राइम डे के नेक्स्ट डे भी आपको मिल सकती है इसी प्राइस में, बट एक ही दिन के लिए रहेगी वो सेल मेरे ख्याल से, और उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं, 300 रुपये में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है विजनरी में आपको। देखिए पहला तो TWS पेयरिंग का ऑप्शन, दूसरा सॉन्ग स्टोर करने का ऑप्शन मिल जाता है, और तीसरा कैलकुलेटर मिल जाता है। ये 3 चीज़ें इसको यूनिक बनाती है, अलग बनाती हैं एक्सटेंड प्रो से, और चौथा कोई नहीं भूल सकता एप्पल लुक, एप्पल की तरह एप्पल वॉच सीरीज 7 की तरह लुक मिलता है। जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, चारों तरफ सिमेट्रिकल बॉर्डर दिए गए हैं। एक्सटेंड प्रो में आपको
आई डोंट नो यहाँ पे एक्सटेंड प्रो में भी आपको बॉर्डर सिमेट्रिकल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले यूज़ करेगी मेरे ख्याल से एक्सटेंड प्रो में भी आपको बॉर्डर सिमेट्रिकल मिल सकते हैं। तो गाइज यही था मेरे डिप डाउन कंपैरिजन। वैसे विजनर यहाँ पे जो मैं घोषित करना चाहूँगा विजनरी है, विजनरी जीत चुकी है इस कंपैरिजन को, और मेरे ख्याल से आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे वैसे, क्योंकि ज़्यादा फीचर्स और अगर हल्की सी मनी ऐड करनी भी पड़ रही है तो मेरे ख्याल से उसी के लिए जाना चाहिए ज़्यादा फीचर्स के लिए। तो गाइज दोनों ही 1 ईयर की वारंटी के साथ आती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, और कंपनी 1 ईयर के अंदर आपको कोई दिक्कत होती है तो रिप्लेस या रिपेयर करके देती है। आपको क्या करना पड़ता है, कोई कोई कंपनी खुद मतलब रिटर्न पिकअप कर देती है, किसी किसी कंपनी को आपको कोरियर करना पड़ता है दैट्स इट। तो गाइज ये था एक डिडोन कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ रहता है, किसी और वॉच का कंपैरिजन भी चाहिए तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेक टॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।